मित्रों जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शिक्षा पे। मित्रों हर रोज की तरह एक बार फिर से मैं आया हूँ आप लोगों के लिए आज का संपूर्ण राशिफल लेके। उम्मीद है आपको संपूर्ण राशिफल का वीडियो पसंद आता है। आपको ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें निश्चित तौर पर बताएं। मित्रों आज रविवार है, रविवार यानी कि 15 सितंबर 2019। अगर हिंदी कैलेंडर यानी कि अपने पंचांग की बात करें तो आज है विक्रम संवत 2076 अश्विन मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, जो कि दिन के 12:25 तक रहने वाला है। उसके बाद द्वितीय तिथि आरंभ हो जाएगा। नक्षत्र रहने वाला है उत्तर भाद्रपदा, जो कि आज पूरे दिन रहने वाला है। व्रत और त्यौहार में आज ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज से श्राद्ध आरंभ है। मित्रों आज के संपूर्ण राशिफल में हम जानने वाले हैं कुल 12 राशियों का आज का राशिफल। साथ ही हम जानेंगे आज का शुभ समय, अशुभ समय, दिशाशूल, शुभ खाद्य, भाग्यवर्धक उपाय, राशि अनुसार क्या खाद्य पदार्थ आपके लिए आज शुभ रहेगा तथा राशि अनुसार कौन सा रंग आपके लिए आज शुभ रहने वाला है। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और संपूर्ण राशिफल का लाभ उठावें। जिन मित्रों को भी अभी तक अपनी सही राशि पता नहीं चल पाई है वे हमें कमेंट बॉक्स में ठीक इसी प्रकार से अपना पूरा विवरण लिख के दें, जिसमें कि आप हमें बताएंगे अपने जन्म का स्थान, अपने जन्म का समय और अपने जन्म की तिथि, जिसे देखकर हम आपकी कुंडली को देखेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी सही राशि क्या है, ताकि आप अपना सटीक राशिफल हर रोज धर्म शिक्षा चैनल पर देख पाएं। मित्रों अगर आपको हमारा आज का ये राशिफल पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया में जय माता दी लिखें। अगर आपके कुछ सुझाव हों तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर निश्चित तौर पर बताएं। मित्रों आज के 12 राशि का राशिफल आपको बताना आरंभ करूं इससे पहले आइए जान लेते हैं आज ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति पर ही पूरा का पूरा राशिफल जो है वो निर्भर करता है। आज राहु मिथुन राशि में, सूर्य मंगल के साथ सिंह राशि में, शुक्र बुध के साथ कन्या राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शनि केतु के साथ और धनु राशि में है। तो इन्हीं सभी ग्रहों का मिला जुला हाल आज के राशिफल में हम जानने वाले हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि में चंद्रमा आज दूसरे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपको आपके नजदीकी दोस्त और प्रेमीजनों से, जो भी आपके अपने हैं, उनसे मदद मिल सकती है। किसी अनुभवी लोग की अगर सलाह लेंगे तो आपके जीवन में जो समस्या चल रही है आज उसका समाधान भी हो सकता है। आज आपको आपकी उत्सुकता कई नई चीज़ें भी सिखा सकती है, साथ ही आज आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी आ सकता है, तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, यह आपके काम बिगाड़ सकते हैं। आत्मविश्वास से आज परिपूर्ण रहेंगे, परंतु आय में कमी और खर्चों में अधिकता से चिंतित भी रहेंगे, लेकिन अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समाज में आपको मान सम्मान भी मिलेगा। व्यापार और धन की बात करें तो आज व्यापार करने वाले जातकों के आय में कमी आ सकती है। व्यापारी जन अपने फैसले जल्दबाजी में ना लें, आपकी खर्च भी आज बढ़ेगी। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में लगेगा और उनको सफलता भी मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो थकान आपको हो सकती है, नींद में कमी भी आ सकती है, पुराने रोग आपको आज परेशान भी कर सकते हैं। प्रेम संबंध की बात करें तो दाम्पत्य जीवन की खुशियाँ बढ़ सकती है। प्रेमियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, अनुकूल नतीजे मिलने के योग भी बन रहे हैं। अविवाहित जातकों के लिए आज विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। आज के दिन अगर दही अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है सुनहरा रंग। बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि में चंद्रमा आज तीसरे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज जीवन का कोई बड़ा फैसला लेने से आपको बचना चाहिए। अगर जरूरी हो तो कुछ लोगों से, जो कि अनुभवी लोग हैं, उनसे सलाह जरूर करें। कामकाज में आपको सफलता मिलेगी, कोई पुराना दोस्त भी आपको आज मिल सकता है। आपके संतान को कष्ट भी हो सकता है तो उसका ध्यान रखें। किसी मित्र से आपकी अनबन भी हो सकती है तो अपनी वाणी पर नियंत्रण भी रखें। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग आज बन सकते हैं। भगवान के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। व्यापार और धन की बात करें तो किसी प्रियजन की मदद से आपके व्यापार में वृद्धि हो सकती है। माता पिता से भी आपको आर्थिक सहयोग आज प्राप्त होगा। आज अगर कहीं निवेश करेंगे तो फायदे में भी रहेंगे। व्यापार में नए अनुबंध हो सकते हैं। कुल मिलाकर आपका आर्थिक पक्ष आज बेहतर भी रहेगा। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों को आज पढ़ाई को लेकर चिंतित और निराश रहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये दोनों चीज़ें आज घेर सकती है, चिंता और निराशा भी। आप इनके बजाय अपना ध्यान अपने पढ़ाई में लगाएं, इससे आपका
लक्ष्य आपके नजदीक आएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो गले या मुंह से संबंधित कुछ परेशानी रह सकती है, तो अपना ध्यान रखें। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी आज आपकी कई प्रकार के इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में समरसता आपकी बनी रहेगी। आज के दिन अगर गेहूं से बनी हुई चीजें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है भगवा रंग। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि में चंद्रमा आज चौथे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपको कुछ फंसे हुए कार्यों को निपटाने में सफलता की प्राप्ति होगी। आज आपके लिए अच्छा दिन है। बहुत सारे कार्यों को खत्म करने में भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अपने काम को लेकर अगर संकोच में नहीं रहेंगे तो आपको फायदा हो सकता है। आज आपको अपना प्रभाव जमाने के लिए समाज में कहीं पर झूठ भी बोलना पड़े। आज अपने बच्चों की पढ़ाई में भी आप रुचि ले सकते हैं। व्यापार और धन की बात करें तो आज कहीं भी धन निवेश करने से बचें, आपको हानि हो सकती है। आज आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो सकते हैं। लापरवाही और संकोच में ना पड़ें, इससे आपको आपके कैरियर में हानि होगी। अपने व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपको फायदा भी होगा। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। मेहनत ज़्यादा आपको करना पड़ सकता है। मेहनत करेंगे तो फल की प्राप्ति भी होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको सिर में दर्द रह सकता है, साथ ही कफ का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ठंडी चीज़ें खाने से आज बचें। प्रेम संबंध की बात करें तो आज आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। अविवाहित लोगों के लिए आज प्रेम संबंध में सफलता मिलने के योग भी बन रहे हैं। प्यार के इजहार करने के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। बात करेंगे खाद्य पदार्थ की, तो आज तांबे के बर्तन में पानी पिए, इससे आपके लिए अच्छा रहेगा। आज के दिन का शुभ रंग है पीला और गुलाबी रंग का कॉम्बिनेशन। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि में चंद्रमा आज पांचवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप निजी और कामकाजी जीवन में कुछ अच्छे बदलाव के संकेत आज मिल सकते हैं। नौकरी और कारोबार में आपको अपने व्यवहार को अच्छा करने की जरूरत है। अचानक कहीं यात्रा पर जाने के योग आज बन सकते हैं। कामकाज में सफलता मिलेगी। ऑफिस या फील्ड में आपको ज़्यादा समय आज देना पड़ सकता है। आज नकारात्मक सोच भी आ सकती है, तो नकारात्मक सोच से बचें, इससे आपके काम बाधित हो सकते हैं। व्यापार और धन की बात करें तो भौतिक सुख सुविधा वाली चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। व्यापार में मुनाफा होगा, साथ ही नौकरी के लिए भी अनुकूल स्थिति बनी रहेगी। अपने व्यापार में वृद्धि कर पाएंगे। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों को आज ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। मेहनत करेंगे तो उसका फल भी आपको उतना ही मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में आज उतार चढ़ाव के योग बन रहे हैं, लेकिन भोजन संबंधी अगर कोई दिक्कत है तो वो खत्म होंगे। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों में आज उतार चढ़ाव आ सकता है। जीवन साथी की मदद और प्यार आपको मिलेगा, लेकिन जीवन साथी से वाद विवाद में ना पड़े, इससे आपके आज लड़ाई झगड़े होने की संभावना बन रही है। आज के दिन अगर गुड़ अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है नारंगी रंग। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि में चंद्रमा आज छठे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज अगर आप कोई कार्य आरंभ करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन नया कार्य आरंभ करने से पहले वीडियो के अंत में जरूर जान लें आज का शुभ समय क्या है। शुभ समय में नया कार्य आरंभ करें ताकि आपको सफलता की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो। कुछ क्षेत्रों में नई शुरुआत भी हो सकती है। किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य करने के भी योग आपके लिए बन रहे हैं। ऐसे योग बने तो निश्चित तौर पर करें, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। परिवार में सुख सुविधाओं का विस्तार होगा। संतान की तरफ से आपको आज थोड़ी चिंता रह सकती है, खास करके संतान की गतिविधियों से, तो अपने संतान का ध्यान रखें, उनके गतिविधियों का भी ध्यान रखें। किसी से वाद विवाद आपके हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति ना आने दें, विवादों से बचें। व्यापार और धन की बात करें तो व्यापार में नया कार्य आरंभ कर सकते हैं, लेकिन नया कार्य आरंभ करने से पहले वीडियो के अंत में जरूर जान लें आज का शुभ समय क्या है। शुभ समय में ही नया कार्य आरंभ करें ताकि आपको सफलता की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो। निवेश करने में आप अचानक से फैसले ले सकते हैं। पैसे के लेन देन में आपको किसी के झूठ के कारण आज नुकसान भी हो सकता है। कोई अटका हुआ धन भी आपको आज प्राप्त हो सकता है। व्यापारिक यात्रा के योग भी बन रहे हैं। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। मेहनत करें, सफलता की प्राप्ति आपको निश्चित तौर पर होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। सुबह सुबह अंकुरित अनाज खाएं, इससे आपका पेट साफ रहेगा, स्वस्थ भी रहेंगे। प्रेम संबंध की बात करें तो जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी आपके भावनाओं का सम्मान भी करेंगे। आज के दिन अगर गेहूं से बनी हुई चीजें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है गुलाबी रंग। बात करेंगे कन्या राशि की।
कन्या राशि में चंद्रमा आज सातवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप घर परिवार की स्थिति में सुधार लाने के आपके विचारों को आज समर्थन मिल सकता है। आपके रोजमर्रा के काम भी पूरे हो सकते हैं। तनाव से बाहर निकलने में आपको मदद मिल सकती है। आज आप दूसरों की मदद करेंगे, कुछ पुराने मामले आपके सुलझ सकते हैं। कुछ लोग आपकी भावनाओं से खेल भी सकते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको आज सावधान रहना होगा। संतान के सुख में वृद्धि होगी, मित्रों का सहयोग आपको आज मिलेगा। बिना वजह वाले विवादों से आज बचें। दिन भर में आपको कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ति भी आज हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बना रहेगा, दिन भर खुश रहेंगे, प्रसन्न भी रहेंगे। व्यापार और धन की बात करें तो व्यापार में आज आपकी व्यस्तता बनी रहेगी, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर भी होगी। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, कम मेहनत में भी ज़्यादा सफलता की प्राप्ति आपको हो सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो पुराने रोग आज खत्म हो सकते हैं, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। दाएं हाथ या शरीर के किसी भी दाएं अंग में आज चोट भी लग सकती है, तो संभल कर रहें, अपना ख्याल रखें। प्रेम संबंध की बात करें, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, घर में खुशी का माहौल भी रहेगा। आज के दिन अगर कुछ तला हुआ भोजन करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहेगा लेमन कलर। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि में चंद्रमा आज आठवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपकी सामाजिक महत्व के कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। किसी अनचाहे व्यक्ति से आपकी मुलाकात भी हो सकती है, जिसके कारण आपका मूड भी खराब रह सकता है। खान पान में आपकी रुचि भी बढ़ेगी। आपको सलाह दी जाती है कि आज किसी मामले को हल्के में न लें। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और लोग आपसे खुश भी रहेंगे। व्यापार और धन की बात करें तो नौकरी और कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है। आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी, खर्च आपका बढ़ेगा। बिजनेस पार्टनर की मदद से व्यापार में भी आपको लाभ होगा। मकान या भूमि संबंधित कार्यों में थोड़ी चिंता आपकी रह सकती है। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत भरा रह सकता है। ज़्यादा मेहनत का आपको कम फल भी मिल सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो आज के दिन थकान और आलस्य से परेशान रह सकते हैं। अपने आप को कम समय दे पाएंगे। अपने माता के स्वास्थ्य का भी आपको आज ध्यान रखना चाहिए। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम प्रस्ताव आपके विफल हो सकते हैं, विवाद होने की भी संभावना बन रही है, तो प्यार के इजहार करने के लिए आज का दिन उपयुक्त नहीं है। आज बचें, लड़ाई झगड़े से हो सकते हैं। आज के दिन अगर तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है लाल रंग। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में चंद्रमा आज नौवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपकी योजना सफल हो सकती है। दिन भर आप व्यस्त भी रहेंगे। आज आप अपना काम पूरी एकाग्रता के साथ कर पाएंगे। दोस्तों की तरफ से भी कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। संतान के सुख में वृद्धि होगी। पारिवारिक मामले में थोड़ी उलझन आपकी आज बढ़ सकती है। साथ ही धैर्य में भी कमी आ सकती है। कार्य क्षेत्र में स्थिति में आपके सुधार होगा। व्यापार और धन की बात करें तो व्यापार और निवेश में धन हानि की संभावना बन रही है, तो सलाह विचार करके ही कुछ कार्य करें। अचानक धन लाभ की भी संभावना बन रही है। साथ ही आपके खर्च भी आज बढ़ेंगे। विद्यार्थी की बात करें तो आज विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जिससे लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको आसानी भी आज होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आज आपका ठीक ठाक रहेगा, लेकिन अपने पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। प्रेम संबंध की बात करें तो अविवाहित लोगों को अपने प्रेम संबंध में आज सचेत रहने की जरूरत है। आपके प्रेम संबंध आज उजागर हो सकते हैं। साथ ही आपके पार्टनर का मूड भी खराब रह सकता है। जीवन साथी से आज आपकी नोकझोंक होने की संभावना बन रही है, तो संबंध अच्छे बनाए रखें। आज के दिन अगर दूध से बनी हुई चीज़ें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है नारंगी रंग। बात करेंगे धनुराशि की। धनुराशि में चंद्रमा आज दसवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज किसी पर ज़्यादा भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। कार्य क्षेत्र में अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपके आत्मविश्वास में आज बढ़ोतरी होने वाली है। मकान जमीन जायदाद से संबंधित मामले आपके आज सुलझ सकते हैं। कुछ लोगों से आपकी आज हालांकि मनमुटाव हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। नए लोगों से दोस्ती होने की भी संभावना बन रही है। आज आपकी बोली गई बातों का कहीं कहीं गलत अर्थ निकाला जा सकता है, तो जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें। कहीं घूमने फिरने के योग भी आपके आज बन सकते हैं। व्यापार और धन की बात करें तो आज व्यापार में परिवर्तन की संभावना बन सकती है। कहीं निवेश करना चाहते हैं तो लोगों की सलाह निश्चित तौर पर लें। खर्च में आपकी बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण आपको चिंता भी रह सकती है। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों की रुचि आज पढ़ाई में बढ़ेगी, साथ ही इसके परिणाम भी अच्छे होंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो सिर और पेट संबंधी कुछ परेशानी रह सकती है, तो अपने भोजन का ध्यान रखें। कोई पुरानी बीमारी
आपको परेशान आज कर सकती है। प्रेम संबंध की बात करें तो आज जीवन साथी के प्रति सकारात्मक विचार रखें, उनकी भावनाओं का सम्मान भी करें। साथ ही आने वाले दिनों के महत्वपूर्ण कामों की योजना उनके साथ शेयर जरूर करें, इससे आपके संबंध बेहतर होंगे। आज के दिन अगर केला अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है गुलाबी रंग। बात करें मकर राशि की, मकर राशि में चंद्रमा आज 11वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप परिवार की कलह सुधारने में आज आपको सफलता मिलेगी। पुराने विवाद और परेशानियां आज खत्म हो सकते हैं। सोचे हुए काम भी आपके पूरे होंगे, किस्मत का साथ भी मिलेगा। कुछ लोगों के साथ आपके आज मनमुटाव हो सकते हैं, जिसके कारण आप चिंतित भी रहेंगे। आज अपने वाहन को सावधानीपूर्वक चलाएं, दुर्घटना के योग बने तो आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। व्यापार और धन की बात करें तो आज व्यापार के मामले में कोई फैसला जल्दबाजी में ना लें, आज आपके ज़्यादातर शौक भी पूरे होंगे। खरीदारी के योग आपके लिए बनेंगे, जिसके कारण आपका खर्च भी आज बढ़ेगा। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों की मेहनत सफल रहेगी, तो मेहनत में किसी प्रकार की कमी आज ना रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकता है, थकान और आलस्य भी बना रहेगा, मन में थोड़ी चिड़चिड़ापन भी आज रह सकती है। प्रेम संबंध की बात करें तो आज जीवन साथी से कोई आपको उपहार प्राप्त हो सकता है, आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे, पति पत्नी के बीच अच्छी समझ आज बनी रहेगी। आज के दिन अगर चावल अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है ऑरेंज कलर। बात करेंगे कुंभ राशि की, कुंभ राशि में चंद्रमा आज 12वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपका मन सामाजिक कार्यों में लगा रहेगा। परिवारजनों का स्नेह आप पर बना रहेगा। लंबी यात्रा के योग भी आपके लिए बन सकते हैं और यात्रा आपके शुभ रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, रुके हुए और फंसे हुए कार्य आपके पूरे हो सकते हैं। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, ज़्यादा आत्मविश्वास में आज ना पड़े, इससे काम आपके बिगड़ सकते हैं। आज आपको अपनी बात किसी से शेयर करने का भी मन करेगा, लेकिन बातें शेयर करने के लिए व्यक्ति का चुनाव सोच समझ कर करें। व्यापार और धन की बात करें तो पैसे कमाने के नए मौके आपको मिलेंगे, साथ ही खर्च की अधिकता भी रहेगी। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन जो विद्यार्थी मेहनत करेंगे उन्हें सफलता की प्राप्ति भी हो सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में आज सावधानी बरतें, मौसमी बीमारियां आपको परेशान भी कर सकती है। प्रेम संबंध की बात करें तो आपके जीवन साथी का रवैया आपको परेशान कर सकता है, शादीशुदा लोगों को आज सावधान रहने की जरूरत है। आपके संबंध में दरार आ सकती है, तो संबंध अच्छे बनाए रखें। आज के दिन अगर चांदी के बर्तन में खीर खाते तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है लाल रंग। बात करेंगे मीन राशि की, मीन राशि में चंद्रमा आज प्रथम स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपको आपके भाइयों और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। काम धंधा बढ़ाने के लिए जो भी मेहनत आपने अपने पिछले दिनों में किया है उसका फल आपको अब मिलेगा। आपके सोचे हुए काम भी पूरे हो सकते हैं। आज आक्रामक रवैये की वजह से आप परेशान रह सकते हैं। अपने किसी से कर्ज बिल्कुल ना लें। नौकरी करने वाले जातकों के अपने सीनियर अधिकारियों से आज संबंध बिगड़ सकते हैं, तो यहाँ पे सावधानी बरतने की जरूरत है। अपने सीनियर अधिकारी से संबंध अच्छे बनाए रखें। व्यापार और धन की बात करें तो आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। व्यापारियों के लिए आज कहीं अच्छा रहेगा। आज कहीं निवेश करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध भी हो सकता है, लेकिन निवेश सोच समझ कर ही करें। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए सफलता के योग बन रहे हैं। मेहनत में किसी प्रकार की कमी ना रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको गैस और एसिडिटी का सामना करना पड़ सकता है, तो अपने भोजन का ध्यान रखें और परहेज भी करें। प्रेम संबंध की बात करें तो जीवन साथी से सम्मान आपको आज मिलेगा, संबंध अच्छे बने रहेंगे। आज के दिन अगर मसूर की दाल खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है येलो कलर। तो मित्रों, ये था आज के 12 राशि का राशिफल। अब जान लेते हैं आज का शुभ समय। आज का शुभ समय यानी कि गुलिकाल रहने वाला है दिन के 3:21 से लेकर शाम के 4:54 तक। इस समय में कुछ भी नया कार्य आरंभ करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल रहने वाला है शाम के 4:54 से लेकर 6:26 तक। इस समय में कुछ भी नया कार्य करने से बचें, असफलता हाथ लग सकती है। दिशाशूल रहेगा आज पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में किसी खास प्रयोजन से यात्रा करने से आज बचें। शुभ खाद्य आज का पान है। पान खाकर यात्रा आरंभ करेंगे तो आपके कार्य आज बनेंगे। मित्रों, अब जानते हैं आज के भाग्यवर्धक उपाय को। मित्रों, आज दिन है रविवार का। रविवार का दिन होता है भगवान सूर्य का दिन। रविवार को सूर्य भगवान का दिन माना जाता है, इसी कारण हर रविवार को सूर्य का व्रत किया जाए। व्रत कैसे? जिसमें कि नमक नहीं खाया जाए। इससे क्या होता है
किसी प्रकार के आपके चर्म रोग वगैरह अगर हो रहे हैं या शरीर की कुछ ऐसी दिक्कत है तो सूर्य देव का व्रत आरंभ कर लीजिए। हर रविवार को सूर्य भगवान को तो जल दीजिए ही दीजिए, सूर्य चालीसा का पाठ कीजिए और नमक नहीं खाइए, ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं खाइए जिसमें कि नमक होता है। और मन कामना यही रखिए कि मेरे अंदर जो भी बीमारी है आपको वो ठीक हो जाए, देखिए आपको निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा। तो मित्रों ये था आज का संपूर्ण राशिफल। कल के संपूर्ण राशिफल के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहें धर्म शिक्षा। धन्यवाद। जय माता दी।